गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास 8 में हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर है लेसन 6 और हमारे लेसन का नाम है कर्मा। इस लेसन को कल हमने शुरू किया था और कल के बाद आज हम पढ़ा रहे हैं, जहां से कल छोड़ा था उसके बाद से आज हम आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए बच्चों, ध्यान से सुनिए। सर मोहन लाल लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर ऑफ अ फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम एट द रेलवे स्टेशन। सर मोहन लाल ने स्वयं को एक फर्स्ट क्लास यानी प्रथम वर्ग के रेलवे स्टेशन के प्रथम वर्ग के प्रतीक्षालय के शीशे में यानी दर्पण में अपने को देखा। रेलवे स्टेशन के मिस्टर मोहन लाल जो हैं, उन्होंने अपने को रेलवे स्टेशन में जो वेटिंग रूम बने होते हैं, प्रतीक्षालय होते हैं, वो प्रथम वर्ग के प्रतीक्षालय के जो के दर्पण में उन्होंने स्वयं को देखा। द मिरर वॉज ऑब्वियसली मेड ऑफ इंडिया। वो जो शीशा था वो स्पष्ट रूप से कहाँ का बना हुआ था, मेड ऑफ इंडिया, भारत का बना हुआ था। द रेड ऑक्साइड एट इट्स बैक, जो इसके पीछे जो काले कलर की ऑक्साइड, जो लाल कलर की ऑक्साइड लगी हुई थी, जो शीशे में पीछे लगी होती है, एक लेप सा लगा होता है लाल लाल कलर की, जो ऑक्साइड थी एट इट्स बैक मानी पीछे लगी हुई थी, हैड कम अप एट सेवरल प्लेसेस, वो भी कई स्थानों से आई थी। एंड कम एंड लॉन्ग लाइंस ऑफ ट्रांसलेंस ग्लास कट अक्रॉस इट्स सरफेस, और उस शीशे पे जो रोशनी पड़ रही थी वो उस शीशे पर कट अक्रॉस द इट्स सरफेस, इसकी सतह को करते हुए जो ट्रांसमिटिंग करती हुई उसकी लाइट पड़ रही थी, प्रकाश पड़ रहा था, वो उसको उसके शीशे को क्रॉस करते हुए उसकी सतह तक पड़ रहा था। सर मोहन स्माइल्ड, से श्रीमान मोहन स्माइल्ड माने मुस्कुराए, एट द मिरर उस शीशे पर मुस्कुराए विद एन एयर ऑफ ब्यूटी एंड पेट्रोज, और वो उस शीशे को देख कर मुस्कुराए जो उनके पेट्रोज यानी जो कि बहुत पुराने समय से, वो जो शीशा जो देख के वो मुस्कुराए, वो उन्होंने क्या किया उस शीशे को वो देखकर मुस्कुराए। मोहन स्माइल एट द मिरर विद एन एयर ऑफ पिटी, उसके उस शीशे को देखकर कि क्या है उसकी, और एंड एंड पैटर्नोज, और उसके पैटर्न पर जो उसका जो उनका प्रारंभिक पुराण टाइम से चला आ रहा है उसे देखकर, यू आर सो वेरी मच लाइक एवरीथिंग एल्स इन दिस कंट्री, यू आर सो वेरी मच लाइक एवरीथिंग एल्स इन दिस कंट्री, इस देश में भी, इस देश में, सो सब कुछ, इन दिस कंट्री माने देश में, यू आर सो मच लाइक एवरीथिंग, सब चीज वैसी ही है, कहती हैं कैसा है, इनसफिशियंट अकुशल, डर्टी, गंदा यानी बहुत उस तरीके से, एंड इनडिफरेंट अभिन्न, ही मर्मर्ड, धीमी आवाज में उन्होंने कुछ कहा यानी गुदगुदाया है, क्या कि सब कुछ इस देश में भी बहुत कुछ वैसे ही है, अकुशलता है, और क्या कहें यहाँ पर भी सब वैसी ही गंदी वैसा ही सब, और इनडिफरेंट माने अभिन्नता है। यू आर अ बिट ऑफ ऑल राइट ओल्ड चैप, वो ओल्ड चैप, इसने क्या कहा, यू आर बिट ऑफ ऑल राइट, तुम बिल्कुल ठीक हो, बिट ऑफ ऑल राइट, यू आर अ बिट ऑफ ऑल राइट ओल्ड चैप, चैप माने क्या होता है लड़के लड़के, और चैट पर लड़के, इट सेड, उन्होंने कहा इट सेड डिस्टिंग्विश्ड इनसफिशिएंट इवन हैंडसम, क्या कहा कि तुम अपने उसने कहा है कि लड़के तुम बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल बिल्कुल ऑलराइट हो, डिस्टिंग्विश्ड और लोगों से भिन्न हो, इनसफिशिएंट अक्सर हो, इवन हैंडसम, यहाँ तक कि बहुत हैंडसम हो, दैट नीटली मॉस्टेज, उसने बड़ी सफाई से अपनी मूंछों को, मॉस्टेज माने अपनी मूंछों को क्या किया था, ट्रिम्ड किया हुआ था यानी बहुत ही अच्छे से उसकी छटाई की हुई थी, एंड सूट फ्रॉम सेवल रो विद द कार्नेशन इन द बटन होल द अरोमा ऑफ एवार्डू कलॉन हेल्थम पाउडर एंड सेंटेड सोप आर अबाउट टू यू, उसने क्या कहा कि उसने अपनी दाढ़ी जो थी बहुत अच्छे से ट्रिम की हुई थी,
देखिए बच्चों, आप देखिए, उन्होंने यू आर आ, देखिए यहाँ से आप देखिए बच्चों, एंड यस हेलो, यू आर बिट ऑफ ऑल राइट, आप बिल्कुल ठीक हैं सर मोहन, थ्रू आउट इट जस्ट सर श्रीमान मोहन ने अपने चपली सीना फुलाया, यानी चौड़े हुए स्मूथ हेज वैल्यूअल टाई, उन्होंने अपनी जो टाई लगा रखी थी उसको बहुत ठीक किया, उसे स्मूथ किया, बिल्कुल चिकनाते हुए उसे ठीक किया, फॉर द अनपिन टाइम, कई बार उन्होंने अपनी टाई को कई बार ठीक किया, ठीक किया, एंड वेव अ गुड बाय टू द मिरर, और शीशे को बाय बाय किया, और उन्होंने शीशे को गुड बाय किया, और ऊपर से देखिए उन्होंने अपनी जो याद के, अब आप छोटे लड़के आप बिल्कुल फिट हो, बिल्कुल ठीक हो, आई स्लीप सेट, उन्होंने कहा डिस्टिंगाइज्ड, बिल्कुल भिन्न लग रहे हो, अपनी फिशियल बिल्कुल कुशल लग रहे हो, एंड इवन हैंडसम, और यहाँ तक कि बहुत खूबसूरत लग रहे हो, दैट मेटली क्रीम वॉश, उन्होंने अपनी बहुत अच्छी सी बहुत सफाई से अपनी मूछें क्रीम कर रखी थी, यानी बहुत अच्छे से छिड़ाई की थी मूछों की, और सूट जो वो पहने हुए थे उससे वायर रैप का था, और विद फॉर्मेशन इन द बटन होल, जिसके बटन के छेद जो थे वो बहुत अच्छे से डेकोरेटेड थे, आप और माँ ऑफ ओवा डी कलोन ने, एंड वेलकम पाउडर उन्होंने लगा रखा था, सेंटर सोप ऑल अबाउट यू, और सेंटर सोप यानी बहुत ही खुशबूदार उन्होंने सेंट का यूज किया था, यस ओल्ड फेलो, हाँ बुढ़े साथी, यू आर बिट ऑफ ऑल राइट, तो बिल्कुल ठीक है सर मोहन, थ्रू आउट हिज चेस्ट, श्रीमान मोहन ने अपनी छाती फुलाई, स्मूथ हिज वैल्यूअल टाई, फॉर द टाइम, कई बार अपनी टाई को चुनाते हुए उसे ठीक किया, एंड वेव ए गुड बाय टू द मिरर, और शीशे से को क्या किया, गुड बाय एंड कहा, ही ग्लांस एट हिज वॉच, उन्होंने अपनी घड़ी देखी, देयर वॉज स्टिल टाइम फॉर अपॉइंटमेंट, उनका बिल्कुल समय जो था वो बिल्कुल निकलने का टाइम था, क्वाइट बिल्कुल निकलने का टाइम था, कोई है, तभी किसी ने कहा, किसी ने कहा कोई है, अपीयरेंस इन वाइट लेवरी अपीयर थ्रू अ वायर वायर गॉट थ्रू, उनको जो सामने वाला जो दरवाजा था वायर गेज का, वहां से एक हियरर माने एक आदमी ने वहां से प्रवेश किया, एक छोटा ऑर्डर, उसने उन्होंने कहा ऑर्डर दिया, उसने उसको ऑर्डर दिया, एक मतलब एक आदमी प्रवेश किया है, हियरर माने जो उनका नौका टाइप का फलन टाइप था, उसने अंदर प्रवेश किया, उन्होंने कहा एक छोटा ऑर्डर सर मोहन, सर मोहन ने ऑर्डर दिया एक छोटा, एंड सेंट इनटू केव, और वो चेयर पर बैठ गए, चेयर पर बैठ गए टू ड्रिंक, उस अपने मतलब जो गन्ने का रस था उसे पीने लगे, एंड एंड मिनट और सोचने गए, उन्होंने एक छोटा का ऑर्डर दिया मतलब कहा एक छोटा, और सेंट इनटू केव मतलब वो अपना जो करने का रास्ता उसे अपना वो पीने लगे, एंड चेयर पर और ड्रिंक एंड पीने लगे, एंड बने और सोचने लगे, आउटसाइड द वेटिंग रूम के बाहर सर मोहन लाल से लगेज ले पाए, मोहन लाल का लगेज का सामान जो था वो बाहर रखा हुआ था, अलोंग द वॉल माने दीवार के सहारे, ऑन ए स्मॉल ग्रे स्टील टब, एक छोटे से स्लेटी रंग के स्टील के बक्से में रखा हुआ था, क्या हुआ, लक्ष्मी लेडी मोहन लाल, लक्ष्मी जो कि मोहन लाल की लेडी है, सैड चिविंग बैठ गए लक्ष्मी लेडी मोहन लाल सैड चिविंग अ बेटर लीफ, पान का पत्ता चबाने लगे, एंड फैनिंग हर सेल्फ, जो मोहन लाल की विशेष है लेडी है लक्ष्मी, वो बैठ गए और पान की पत्ती यानी पान चबाने लगे, एंड फैनिंग हर सेल्फ विद न्यूज़पेपर, और उन्होंने स्वयं को समाचार पत्र को पढ़ने में लगा लिया, यानी समाचार पत्र पढ़ने लग गई, सी वॉज सॉल्ट एंड फैट, वो नाटेकर की थी, मोटी थी, एंड इन हर मिड फोर्टीज, और लगभग वो मिड फोर्टीज के आसपास की थी, मतलब 40 के आसपास की थी, सी वोर अ डर्टी वाइट साड़ी विद अ रेड बॉर्डर, वो रेड बॉर्डर की सफेद साड़ी, बहुत गंदी साड़ी पहने हुई थी, सफेद गंदी साड़ी पहनी हुई थी जिसमें रेड बॉर्डर यानी लाल कलर का बॉर्डर था, वन वन ऑन वन साइड ऑफ वन नोज,
वन साइड ऑफ हर नोज, उनकी नाक के एक तरफ जो है एक डायमंड की छोटी सी नाक की कील चमक रही थी। एंड सी हैड सेवरल गोल्ड बैंगल्स ऑन हर आर्म्स, और उनके हाथ में कुछ छोटी सोने की चूड़ियां भी थी। सी हैड सेवरल गोल्ड बैंगल्स ऑन हर आर्म, और उन्होंने अपने हाथ में कुछ सोने की चूड़ियां भी पहन रखी थी। शी हैड टकिंग टू द बियरर, उन्होंने उस सेवा से तब तक बात की अंटिल जब तक कि सर मोहन हैड समंड हिम आउटसाइड, तभी सर मोहन ने जब तक वो उनसे बातें कर रही थी, अंटिल सर मोहन हैड समंड हिम आउटसाइड, जब तक कि श्रीमान मोहन ने उसे अंदर नहीं बुला लिया। As soon as he had gone, जैसे ही वो गया, she hailed a passing railway coolie, वैसे उन्होंने एक गुजरने वाले रेलवे कुली को हेल किया, उसका स्वागत किया। जैसे वो गए वैसे उसे स्वागत किया। Where is the जनाना स्टॉप, उन्होंने पूछा जनाना स्टॉप कहाँ है, यानी वॉशरूम कहाँ है। Right at the end of the platform, प्लेटफॉर्म के बिल्कुल अंत में दाई ओर है। उन्होंने क्या बताया पुली ने कि प्लेटफॉर्म के अंत में राइट यानी दाई ओर है। एक पुली फ्लैटेंड हिज टर्बन ऑन मेक अ कुशन, जो पुली था उसने अपनी टर्बन को फ्लैटेंड किया पोला एंड मेक अ कुशन, उसे कुशन बनाया। होस्टर द स्टील टर्न ऑन हिज हेड, और उसे उठा बंद बनाया एंड होस्टर द स्टील टर्न ऑन हिज हेड, जो उन्होंने अपनी पगड़ी उठाई और उसका कुशन यानी गद्दी सी बनाई और उसे होस्टर द स्टील टर्न ऑन द हेड, और वो स्टील का टर्न था यानी बक्सा जो था उसे उठाकर सर में रख दिया। ही मूव डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से चल पड़ा। लेडी लाल जो थी वो फील्ड हर ब्रास टिफिन कैरियर, उन्होंने अपने पीतल वाले टिफिन कैरियर को उठाया एंड एम्बल्ड अलोंग बिहाइंड हिम, और धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चल पड़ी। लेडी लाल जो थी उन्होंने ब्रास टिफिन कैरियर उठाया और एम्बल्ड अलोंग बिहाइंड हिम, और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। ऑन द वे सी स्टॉप्ड बाय ए हॉकर स्टॉप, और ऑन द वे रास्ते में वो रुकी ए हॉकर स्टॉल टू रिप्लेस हर सिल्वर बेटल लीफ केस, और वो हॉकर की कहाँ करके स्टॉल पर कुछ विक्रेता के स्टॉल पर रुकी टू रिप्लेस हर सिल्वर बेटल लीफ केस, अपने चांदी वाले लीफ केस को यानी जो उनका चांदी का पान का पत्ता रखने वाला जो पानदान था उसको अपने स्टील के पानदान को ठीक करने के लिए, उसे सिल्वर बेटल लीफ केस को ठीक करने के लिए यानी पानदान को ठीक करने के द्वारा पुनः उसे खुद ठीक करने के लिए आकर के यानी विक्रेता के स्टॉल पर रुकी एंड देन ज्वाइंड द कुली, और फिर कुली के साथ मिल गई शामिल हो गई। सी सैट डाउन ऑन हर स्टील टैंक, वो अपने स्टील के टैंक पर बैठ गई। विच द कुली हैड पुट डाउन, जो कुली ने रख दिया था। अब जैसे ही कुली ने बक्सा उतारा वैसे वो स्टील के बक्से पर बैठ गई एंड स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम, और उससे बातचीत करने लगी टॉकिंग आर द ट्रेन्स वेरी क्राउडेड ऑन दी लाइन्स, क्या पूछ रही उससे क्या इस रास्ते पर जाने वाली सभी गाड़ियां वेरी क्राउडेड माने बहुत अधिक भीड़युक्त होती हैं, क्या इस लाइन पे जाने वाली सभी गाड़ियां बहुत अधिक भीड़युक्त हैं। All these days, all trains are crowded, but you will find room in the Janana. क्या कहा कि हाँ इस समय तो ये गाड़ियाँ जो जाने वाली हैं ये सब बहुत अधिक भरी होती हैं, लेकिन you are find room in the Janana, लेकिन आपको जगह मिल जाएगी, आपको जनाना में जगह मिल जाएगी। Then I might as well as हाँ तो बच्चों आज आप एक बार हमने यहाँ से छोड़ा, देखिए ऑल द ट्रेन्स वेरी क्राउडेड इन दी लाइन्स, क्या इन लाइन की सभी ट्रेनें बहुत अधिक भरी होती हैं, उसने कहा पुली ने कहा दीज डेज आर ट्रेन्स आर क्राउडेड, इस समय ये गाड़ियाँ सब भरी होती हैं, लेकिन यू विल फाइंड रूम इन द जनाना, लेकिन आपको जनाने में जगह मिल जाएगी। और बच्चों ठीक है बच्चों अब आज आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा जहाँ से मैंने आज छोड़ा है, इसके बाद से कल मैं आगे